तो हेलो गाइस, आपका वापस से एक नई क्लास में स्वागत करता हूँ। आई होप आपने सभी जो प्रीवियस क्लास होंगी उसके अच्छे से रिवीजन किए होंगे। अब आज हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा होगा एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? हमारी समानता होती है। इसमें कई मेथड्स होते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला होता है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग ऐसा लिखा हुआ है आपके सामने, ऐसे बनते हैं। दूसरा है अपना लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग ऐसे बनते हैं, इसके भी कई सारे हैं, बताएंगे बाद में। तीसरा होता है मिक्स कोडिंग अपना, जिसमें नंबर और लेटर मिक्स होता है। और चौथा होता है अपना जीके जीएस पर बेस्ड। जैसे यूपी और लखनऊ का संबंध होता है, उसी तरह मध्य प्रदेश और आगे जो संबंध होगा आप बताएंगे। जहाँ इसकी राजधानी लिखी है, तो मध्य प्रदेश की भी राजधानी अपनी भोपाल हो जाएगी। तो इस चार टाइप के इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं, आइए हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना नंबर कोडिंग देखेंगे कि इस तरह के कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको सबसे पहले देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अपने नंबर कोडिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक नोट देख लेते हैं, नोट में क्या लिखा है कि एनालॉजी में जब हमेशा क्योंकि हम जानते हैं एनालॉजी में हमेशा मल्टीपल आंसर होते हैं, कोई एक फिक्स नहीं होता है। इसलिए अगर हम एनालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन का दिया होना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 4 और 9 रिलेशन में है, तो 25 का रिलेशन किस प्रकार से होगा? तो इसके क्या होंगे? मल्टीपल आंसर होंगे। कैसे, देखते हैं। जैसे 4 को कैसे ले सकते हैं? पहला तो प्राइम होता है। प्राइम बोले तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 1 भी सही हो सकता है। फिर दूसरा देखते हैं क्यूब। क्यूब कैसे होगा? इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब करेंगे 125 और प्लस 1 करेंगे तो 126 आएगा। तो दूसरा आंसर अपना 126 हो सकता है। तीसरा देखते हैं कैसे करते हैं। तीसरा है 2 का स्क्वायर अपना 4 और 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, तो अपना तीसरा आंसर भी सही हो सकता है। चौथा होता है अपना मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे? 4 4 दूनी 8 प्लस 1 9, इस तरह रिलेशन बन रहा है। इसी तरह 25 दूनी 50 प्लस 1 है, इनका मान, तो इस प्रकार से अपना आंसर डी भी सही हो सकता है। अपना ऐड ऐड कैसे देखते हैं। 4 में 4 में प्लस 5 करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह 25 में 5 ऐड करेंगे तो अपना 30 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे इसमें मल्टीपल आंसर बन सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, अगर हमें जो ऑप्शन होते हैं गिवन नहीं होते हैं तो हम लोग क्या होता है उस तरह में डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सा अपना आंसर अपना लिखें। इसलिए इसमें जो है अपना जो जो ऑप्शन होते हैं उसको गिवन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको भी देख लेते हैं कैसे करते हैं एक बार। इसके भी मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। जैसे जैसे 5 का स्क्वायर, इसका हो रहा है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है अपना? 25 होता है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब दूसरी दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 में 25 हो रहा है, और दूसरी तरफ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इसमें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें भी 5 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 चौको 20। तो इसमें भी आपने देखा कि 16 या 20 में से कुछ भी आंसर आ सकता है। इसलिए हमें इसमें ऑप्शन का गिवन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम लोग अपने इस तरह के क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए इससे अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमें प्रायोरिटी पहले किसको देने हैं, मतलब। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रायोरिटी किसको देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, जो डायरेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग देते हैं स्क्वायर को या क्यूब को, डायरेक्ट होना चाहिए ये भी। तीसरे में आता है अपना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ भी हो उसमें कर सकते हैं। चौथे में आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो। और पांचवी आती है अपनी इलॉजिकल।
तो इस प्रकार से हमें अपनी प्रायोरिटी देनी है, मतलब सबसे पहले अगर ये कहीं दिख जाए इस तरह का पैटर्न तो पहले इसको सॉल्व करना है, ये नहीं दिखे तो फिर इसको करना है, इसी तरह प्रायोरिटी वाइज ये लिखा गया है। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 7 का 3 से 21, तो इसमें भी भाग होगा 7 का, तो कितना हो जाएगा 7 8 56 और 7 2 14 मतलब 82। तो इसका आंसर आ जाएगा 82, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं, 18 18 2 36, 36 -6 तो मतलब -2 -6, तो इसमें भी देखते हैं करके ऑप्शन में आता है कि नहीं। -2 36 36 2 72, 72 -6 72 -6 अपना कितना होता है, अपना होता है 66 66, तो इसमें आ जाएगा 66 66 आंसर आ जाएगा इसका। इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, 17 3 51 मतलब +3 17 3 51 +1 +3 +1, तो इसमें भी होगा इसी तरह +3 +1, तो 3 1 4 3 1 4 आंसर आ रहा है अपना, 4 बिल्कुल है। चौथा देखते हैं, ये एक्चुअली 3 का इसको देखते हैं, यो इसमें क्या कर रहे हैं, -2 +1 -2 +1 तो अपना 11 आ रहा है। इसी तरह इसमें भी देखते हैं, डिवाइड टू करेंगे +1 करेंगे, डिवाइड टू करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 10 2 1 2 51 और 1 52, तो आंसर अपना बी आएगा, 52 आएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। तो चलिए हम अपने आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें लग रहा है अपना लग रहा है -2 21 -1, -2 -1 का लॉजिक लग रहा है, तो इसमें भी -2 देंगे -1 करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा 32 32, और 32 में 1 घटाएंगे तो अपना ये 31 आ जाएगा, तो इस प्रकार अपना आंसर आ जाएगा 31। इसमें देखते हैं, ये है अपना 11 का स्क्वायर और उससे एक नंबर नंबर से एक ज़्यादा अपना 12 आता है। ये है अपना 5 का स्क्वायर, नंबर से एक ज़्यादा अपना 6 आएगा, तो अपना आंसर इस प्रकार से 6 आ जाएगा। ये क्या है अपना, ये है अपना 6 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 6 222 होता है। इसी प्रकार से ये 7 का क्यूब प्लस 7 7 का, यहाँ 6 का क्यूब है और इसी नंबर से ऐड किया है, तो यहाँ भी 7 का क्यूब लेंगे और उसी नंबर से ऐड करेंगे, तो 343 343 और 7 होता है अपना 350, तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा 350। देखते हैं कैसे, इसमें देखते हैं कैसे किया है। ये है अपना 5 का स्क्वायर 25 होता है +1, तो 26 आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसमें भी करेंगे, इसका इसमें होगा 8 का स्क्वायर 8 2 64 64 प्लस 1, तो अपना आंसर इस प्रकार से 8 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। इसमें देखते हैं, इसमें होता है 5 का 25 पंचे होता है 125 और 36 36 छक्का होता है अपना 216। इसमें एक और लॉजिक लग सकता है अपना, ये है अपना 5 का स्क्वायर, ये है अपना 5 का क्यूब, ये है अपना 6 का स्क्वायर, ये है अपना 6 का क्यूब। अब इस केस में क्या करेंगे, आंसर तो इसमें खैर सेम ही आ रहा है, अगर सपोज कि इसमें आंसर अपना मल्टीप्लाई से अलग आंसर आता है, सपोज इसमें अपना मल्टीप्लाई से 180 आता है और ऑप्शन में भी दिया है 180 180 भी दिया है और जो क्यूब होता है उसमें 216 216 भी दिया है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें आप मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी के बारे में, तो प्रायोरिटी अपनी रहती है अपना
क्यूब के बारे में। अपना क्यूब अगर कहीं भी आ जाता है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो अपना आंसर 216 आ जाएगा इस प्रकार से। और इसमें देखते हैं कैसे आ रहा है, इसमें है भागे दो, 2 × 14 प्लस दो, भागे दो प्लस दो, तो इसमें भी करेंगे भागे दो, 13 × 26, 26 प्लस दो, 13 और 2 कितना होता है अपना, 15 होता है। तो इस प्रकार से अपना आंसर आ जाएगा। अब हम अभी इसमें हम और क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।